नमस्कार, आप देख रहे हैं देशी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यूपी असम के बाद अब झारखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब देश की आवश्यकता है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश हित में है, लेकिन बीजेपी से प्रोपेगेंडा बनाकर जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकती। क्या कुछ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा कह रहे हैं, सुनिए। यूपी असम के बाद अब झारखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं सांसद दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब देश की आवश्यकता है। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण इस देश के लिए हित में है, लेकिन इसका जिस प्रकार वो लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं भाजपा के लोग, तो प्रोपगंडा से जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी पूर्व में ही, आज नहीं, कांग्रेस पार्टी 80 के दशक में इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून ला रही थी, जिसका यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ने पार्लियामेंट में विरोध किया था। तो आज अपने चंद निजी स्वार्थ के लिए जनसंख्या नियंत्रण का राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता और अपनी शुचिता दोनों पर ध्यान दे कि नैतिकता और शुचिता से ही देश और राज्य की राजनीति चलती है, बकथोथी से देश और राज्य की राजनीति नहीं चलती।